मंजेशी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, अभी भी जो व्यवहार पक्षपात किया जा रहा है, अभी भी है। आप मंत्री हैं? मंत्री हैं आप, बजट सुने? नहीं नहीं, जनता की जो सही सत्य बात है वो बात तो करना पड़ेगा ना। चुनाव लड़ने से पहले नेताजी आश्वासन देते हैं कि लेकर जाएंगे, अब मंत्री बन गए तो अभी भी आश्वासन ही मिलेगा या विकास भी होगा हकीकत मायने में? कि इसी भरोसे रुके होंगे, चलो चलो भारत वाले पहल नहीं कर रहे हैं, उनका 75% बर्बाद हो रहा है। नमस्कार, आदाब, मेरा नाम है नैयर आजम और आप देख रहे हैं आज़ाद सोच की खास सीरीज पॉइंट टू पॉइंट। पॉइंट टू पॉइंट के आज के इस एपिसोड में मेरे साथ मौजूद है नेपाल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नेपाल के महिला एवं बाल विकास तथा ज्येष्ठ नागरिक मंत्री महेंद्र राय यादव जी। महेंद्र राय यादव जी से आज हम उनके राजनीतिक सफ़र, नेपाल की राजनीति और भारत नेपाल के राजनीतिक संबंध, इनके अलावा आम जनता से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पर बात करेंगे। तो आइए सीधे उनसे बात करते हैं। मंत्री जी, सबसे पहले आपका आज़ाद सोच पर स्वागत है। धन्यवाद है मंत्री जी। मैं आपके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, जानकारी इकट्ठा कर रहा था, तो मुझे ये जानकारी मिली है कि आपका कोई पहले से राजनीति में कोई बैकग्राउंड नहीं रहा है, आपको राजनीति विरासत में नहीं मिली है, जो कुछ किए हैं आप खुद के दम पे किए हैं, जनता के दम पे किए हैं, लगातार 3-4 बार मंत्री रहे हैं आप, अभी भी केंद्रीय मंत्री है, तो अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में थोड़ा सा बताइए, कैसे शुरुआत हुई, कैसे कैसे हुई, इसके बारे में। देखिए, मेरा राजनीतिक शुरुआत जब इस देश में लोकतंत्र की बहाली, प्रजातंत्र की बहाली के लिए कुछ लोकतांत्रिक पार्टी, कुछ नेपाली कांग्रेस या कम्युनिस्ट पार्टी, खास करके मूलतः दो पार्टी जी, इस देश में 2015 साल में जी चुनाव हुआ था और नेपाली कांग्रेस के नेतृत्व में 2/3 का बहुमत प्राप्त हुआ था, और 2017 साल में राजशाही के द्वारा उस लोकतंत्र को, उस संसद को विघटन किया और उस पर एक तंत्रीय शासन का शुरुआत हुआ, और 30 वर्ष तक जो है इस देश में राजाशाही ने शासन किया, एक तंत्रीय शासन हुआ, एक पक्षीय शासन हुआ, एक आत्मक शासन हुआ, एक जाति का शासन हुआ इस देश में, जिसमें जनता को, अधिकार को, लोकतंत्र को हत्या कर दिया गया। यह आंदोलन पहले कांग्रेस ने बड़ा उपेन रूप में अपना अभिव्यक्ति को लेकर एक संघर्ष किया, आंदोलन का घोषणा किया, कुछ कम्युनिस्ट पार्टी जो है वो आंतरिक भूमिगत हिसाब से संगठन के तैयार कर लोकतंत्र की बहाली के लिए उसका संगठनी काम हो रहा था, उस सब में सभी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, कारण रूप से पार्टी प्रतिबंध होने के नाते से नागरिक आवाज़ जो है विभिन्न नागरिक के माध्यम से, विभिन्न भूमिगत सवाल से, विभिन्न क्रियाकलाप से इस देश में लोकतंत्र की जो आंदोलन हुई है, लोकतंत्र की स्थापना के लिए 36 साल में एक जो पाकिस्तान में मियां जुल्फकार अली भुट्टो को जो वहां पर फांसी दिया गया, उसका प्रभाव नेपाल में पड़ा। अच्छा। नेपाल में यहां के विद्यार्थी आंदोलन ने, छात्र के आंदोलन ने, 1970 के दशक की बात है, और यहाँ काफ़ी स्टूडेंट मूवमेंट हुआ जी। और वह जो फांसी पड़ा उसके खिलाफ में, चूँकि वह जो फांसी किया गया था वह एक तानाशाही पर भी था, और नेपाल में तानाशाही था, इसीलिए वो तानाशाही वहाँ फांसी दिया, इसीलिए यहाँ पर विद्यार्थी लोगों का आंदोलन, जियाउल हक थे पाकिस्तान के, तानाशाह, तो उस कारण से नेपाल में विद्यार्थी लोगों का आंदोलन हुआ। वो आंदोलन इतनी बड़ी ऊँचाई पर पहुँच गया कि राजशाही को उसको एक जन्म संग्रह का घोषणा पड़ना। तो आप छात्र जीवन में थे तभी से राजनीति में एक्टिव हो गए थे? मैं बता रहा हूँ कि एक जब घोषणा हो गया, जब इस देश में एक जनमत फैसला का, बहुदल के पक्ष में जनमत है कि निर्दल के पक्ष में, राजशाही के पक्ष में कि लोकतंत्र के पक्ष में, इसमें हम लोगों ने काफ़ी मूवमेंट भी किया जी। और उस समय मैं स्टूडेंट से SLC पास कर मैं अपने घर पर खेती गृहस्थी कर रहा था, लेकिन 36 साल का जो मूवमेंट हुआ, उस मूवमेंट में हम लोग काफ़ी लगे यहाँ पर, जितने भी जो कम्युनिस्ट पार्टी के मेंबर थे, कांग्रेस पार्टी के मेंबर थे, अन्य जो नागरिक लोग थे, पूरा आंदोलन में हम लोग लगे, और 36 साल में काफ़ी जो है आंदोलन हुआ। और खास करके जो इस नगर पालिका में हम बैठे हुए हैं, ये हरपुरवा नगर पालिका है, 36 साल का मुझे लगता है कि डेट तो याद नहीं है, एक रैली निकला था। अच्छा। जिस नए रैली में हम उसका उपाध्यक्ष थे, सीताराम भंडारी उसका अध्यक्ष। की बात होगी, कुछ अंदाजा है? 2036 साल की बात है, 2036 साल का जो मूवमेंट हुआ था, तो उस समय बहुदल निर्दल के लिए हुआ, तो हम लोग
जुलूस लगा रहे थे, यानी गांव-गांव में जुलूस लगा रहे थे। वह जुलूस लेकर हम लोग मलंगवा जाते थे, गांव-गांव में करते थे। मंत्री जी यहाँ रुकूंगा, मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि मंत्री जी बता रहे हैं आंदोलन के बारे में 2036 में हुई, ये हिंदी तारीख से बता रहे हैं यानी नेपाली तारीख से। अभी नेपाल में 2080 साल चल रहा है, अगर मैं सही हूँ तो सही है ना, 2080 चल रहा है, ये 2036 हिंदी के माध्यम से बता रहे हैं जी। मंत्री जी बताइए अभी। नहीं, 2036 नेपाली है। नेपाली है तो नेपाली का जो आंदोलन हुआ था, ये हरपुरवा जो बाजार है उस समय में हम लोग बसतपुर से सुकराहा होकर एक जुलूस निकला और जुलूस निकलते हरपुरा बाजार में आया। जी, बाजार में आने के बाद वह जुलूस कोई ऐसा तैयारी नहीं था, लेकिन लोगों ने इस तरह से गलत प्रचार किया। जो वहाँ एक साझा संस्था था, हम लोग आगे आए थे, जो साझा संस्था था वहाँ सुकराहा में, और साझा संस्था में कुछ लोग जाकर वो हल्ला किया। उसके बाद यहाँ पर आए लोग, पुलिस बुला लिया। यहाँ का जो सामंत लोग हैं जो हरपुरवा के, वो बाजार का दिन था, वो संग्रामपुर के प्रहरी चौकी के बुला कर यहाँ पर उन लोगों को पूरा खिलाफ विकार एकदम पोजिशन में रख दिया। और वहाँ पुड़वा पर जो अभी भी वो बाजार है, वहाँ एक अभी पीपल के गाछ है, वो चबूतरा हम लोग बनवाए वहाँ पर, उसी चबूतरा के नज़दीक पुलिस ने आंदोलनकारियों पर गोली चलाया। गोली चलाने के बाद 7 आदमी उसमें शहादत प्राप्त किया और इससे काफ़ी आंदोलन को ऊर्जा मिला। मुझे लगता है 36 साल के आंदोलन में नेपाल में सबसे पहला सबसे शहादत प्राप्त करने हरपुरा नगरपालिका है, जिस समय हम लोग भी थे, भागा भाग हुआ, कोई संजोग से बचा, मैं भी था। एक मुस्लिम बरादर का बाजार पर घर है, उस साइड में मैं भी गया। तो हुआ क्या कि जो आंदोलन हुआ तो उस समय में बहुदल और निर्दल के, तो उस समय नेपाली कांग्रेस ने यह कहा कि मतलब कम्युनिस्ट पार्टी ने कहा कि यह निष्पक्ष नहीं हुआ, धांधली हुआ। नेपाली कांग्रेस के गिरिजा प्रसाद विश्वेश्वर प्रसाद कुरा ने कहा कि मेरो घाटी, मेरा गर्दन और राजा का गर्दन एक है कहकर। तो इससे क्या हुआ कि वह निष्पक्ष आंदोलन जो नहीं हुआ, निर्दल के पक्ष में, मतलब उनको निर्दल के पक्ष में 2060-61 की बात है क्या? नहीं, 2036 साल की बात है, 36 की बात है। उस समय का परिस्थिति एक निर्माण हुआ तो हम लोग को लगा कि इस देश में नेपाली कांग्रेस जो है एक कभी बोदल को नहीं आने देगा। इस देश में जब विगत में आंदोलन हुआ था तो इस देश में कम्युनिस्ट और कांग्रेस मिलकर 2007 साल में यहाँ प्रजातंत्र आया था, आंदोलन किया गया था, उस समय प्रजा परिषद था। और 30 वर्ष तक इस देश में जो पंचायती व्यवस्था रहा, तनाशाही व्यवस्था रहा, नेपाली कांग्रेस ने कम्युनिस्ट और कांग्रेस का सहकार्य नहीं किया। जब वही 36 साल से 46 साल में हुआ, 46 साल में कांग्रेस और कम्युनिस्ट का संयुक्त वाम गठबंधन बना, लोकतांत्रिक प्रजातांत्रिक गठबंधन बना। वह गठबंधन से इस देश में लोकतंत्र की बहाली के लिए 2036 साल 26 का यह घोषणा हो गया। तो राजनीति शुरुआत का हो गया कि एक आंदोलन से शुरू हुआ कि एक लोकतंत्र आंदोलन हुआ था, उससे लोकतंत्र के आंदोलन से शुरू हुआ और यहाँ घटना होगा वो ज्यादा मरमात किया। उसके बावजूद हम लोग जो 46 साल के आंदोलन हुआ उसमें हम लोगों ने वाम गठबंधन बनाया, उसमें हम लोगों ने यही सुनवर्षा से कम्युनिस्ट पार्टी के, उस समय हम नेतृत्व कर रहे थे यहाँ पर, कम्युनिस्ट पार्टी मधेश में बहुत कमजोर अवस्था था, हम लोग सुनवर्षा में हम लोगों का वहीं से फागुन 7 गते का वहीं से कांग्रेस और कम्युनिस्ट अपनी झंडा लेकर लोकतंत्र बहाली के लिए हम लोगों ने शुरू किया। हम लोगों को मलंगवा में अरेस्ट किया और मलंगवा से कर हम लोगों को जेल पटाया और काफ़ी उस समय लोकतंत्र की बहाली करने वाले लोगों को काफ़ी कार्रवाई हो रही थी, बहुत ज़्यादा लोगों को नसीहत दिया जा रहा था, फिर भी जेल में पटाया और 26 घंटे के रात जो घोषणा हुआ उस समय हम लोग छूटे। तो वहाँ से एक राजनीतिक हिसाब से हो गया और हम कम्युनिस्ट पार्टी की जो राजनीति की उस समय, कम्युनिस्ट पार्टी की राजनीति गरीब जनता के बीच में था, वो दलित उपेक्षित जो विभेद में पड़े हुए विंग का आइडियोलॉजी है उसी के बेस पर, उसी के बेस पर हमने राजनीति किया और 46 साल का और इस तरह से राजनीति की शुरुआत हुई आपकी। मंत्री जी, मैं एक और पर्सनल क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूँगा और वो ये है कि मैं आज पूरे दिन लगभग आपके साथ हूँ, मैं देख रहा हूँ आप जनसंपर्क कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं, बहुत पावरफुल मंत्री हैं आप, और एक बार नहीं आप 4-4 बार के मंत्री रह चुके हैं, लोकसभा सांसद हैं आप, है ना, इसके बावजूद 6 बार के सांसद हैं आप, इसके बावजूद आप बिना सिक्योरिटी के, सिक्योरिटी के नाम पर सिर्फ एक पुलिस वाले हैं और उनके साथ साथ भी कोई हथियारबंद कुछ नहीं है, गाड़ी भी एक है काफिला में एकदम साधारण, ऐसे तो आजकल के मुखिया भी नहीं चलते हैं जैसे आप एक कैबिनेट मिनिस्टर होकर चल रहे हैं, तो इतनी सादगी पहनावा ओढ़ावा पोशाक से भी आप एकदम सिंपल साधारण हैं, तो कभी डर नहीं लगता है कि मतलब जा रहे हैं सिक्योरिटी ब्रिज, आप सुने होंगे इंदिरा गांधी के साथ क्या हुआ था, राजीव गांधी के साथ क्या हुआ था, आए दिन सुनते रहते हैं, नरेंद्र मोदी के साथ पंजाब में क्या हो गया था, तो उससे थोड़ा नहीं भय पैदा होता है कि हम मंत्री हैं हमारे साथ कुछ हो जाए? अब क्या है कि अब वहाँ भारत की बात तो बहुत बड़े महान नेताओं की बात नहीं कर सकते हैं,
हम तो जनता के सेवक है। हर नेता यही कहते हैं कि हम जनता के सेवक हैं, जनता को काम कर रहे हैं, है नहीं। सिक्योरिटी हमारे पास जो राज्य ने दिया वो किया है, बहुत ज़्यादा लाम कपड़ा जोड़ेंगे जोड़ा जा सकता है, लेकिन उसका कोई तात्विक परिणाम आने वाला नहीं है। लोग बहुत भारी भरकम देखेगा, है नहीं, लेकिन हमारा तो पब्लिक नहीं जन सकती है। होता है ना, कैबिनेट मिनिस्टर के नाम सुनते ही अरे आगे चार गाड़ी पीछे चार गाड़ी, बुलेट प्रूफ कार होगी और ये सब होगा, लश्कर होगा लंबा। आप देखिए भारत जैसे बुलेट प्रूफ नहीं है, जो गवर्नमेंट हम लोगों को दिया है आप देख रहे हैं वही। तो गवर्नमेंट देते नहीं या फिर आप सिक्योरिटी लेते नहीं है? ऐसा है कि हमारे देश की आर्थिक अवस्था बहुत कमज़ोर है। अच्छा, हम लोगों ने सरकार में गठबंधन की सरकार है, हम लोग हर चीज़ में मितव्ययता की बात किया है। हम लोग को क्रियाकलाप से लोगों को जो जीवन स्तर है बहुत कष्ट है। हम ज़्यादा इसमें लवालसर करेंगे तो पब्लिक का जो अवस्था है, जो दुख है, तकलीफ़ है, वो कहीं ना कहीं उसके हंट करेगा मन में, उसके मन में होगा कि भाई हमारी अवस्था ये है। हमारी जनता को जो आवश्यकता है तो हमारा लिबास, हमारा खान पियन, हमारा रहन सहन, हमारी वही होगा, है नहीं। इसलिए क्या है कि हम लोगों ने तो बहुत लोगों को बुलाया भी नहीं है। हम जिस गाँव में आए हैं उस गाँव से हम जुड़े हैं, हम अपने गाँव से अपने लोग जुड़ रहे हैं, लोग भेटने चले आते हैं, मिल जाते हैं, हो गया। नहीं आते तो हम तो अपने पब्लिक संपर्क आदमी है, अपने मिलते जुलते रहते हैं, हो गया। पब्लिक का संबंध तो हमसे है, ठीक है। हम ज़्यादा इसमें लवाल असर करेंगे उसे उसको ही फायदा नहीं होने वाला है और जनता में इसका निगेटिव असर होगा। नेपाल की राजनीति पे मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है और वो यह है कि भारत का आज़ाद हुए लगभग 75-76 साल हो रहे हैं, वहाँ अभी तक 17वें प्राइम मिनिस्टर है, 16-17 प्राइम मिनिस्टर बने हैं, जबकि नेपाल में लोकतंत्र आए हुए 20 साल हुए हैं और 20 साल में 41 प्रधानमंत्री बदल चुके हैं। तो यहाँ ऐसा क्या रीज़न है कि मतलब एक सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाता है? राजनीतिक उछल पछल नेपाल में इतनी क्यों मची हुई है? इसका मूल कारण क्या है कि किसी पार्टी का पूर्ण बहुमत नेपाली कांग्रेस के एक बार नेपाल के इतिहास में 2/3 दिया था 2015 में। उसके बाद नेपाली कांग्रेस को 2046 साल में बहुमत दिया था, सामान्य बहुमत दिया था। नेपाली कांग्रेस नहीं चला पाया, उसकी सरकार उसके ही अनुपस्थिति से नेपाली कांग्रेस का सरकार गिर गया। और केपी ओली का इससे पहले 2/3 का सरकार बनाया था दो कम्युनिस्ट पार्टी के, वो भी सरकार नहीं चला पाया, वो कम्युनिस्ट पार्टी अलग हो गया। तो नेपाल में राजनीति स्थिरता तभी हो सकता है जब किसी पार्टी का एक बहुमत हो, वो बहुमत के आधार पर ये 5 वर्ष चलाना चाहिए। इसीलिए जब पार्टी जो अभी हमारे देश का संविधान है, जो अलायंस है, अभी 10 पार्टी का अलायंस है। आपके यहाँ क्या है कि 22 पार्टी की अलायंस है, लेकिन आपके यहाँ इतनी बड़ी वो सफलता मिल गई है, इतनी बड़ी मैच्योर्ड हो गया है, जो उस कोई भी पार्टी हो उसको सत्ता टिक जाता है 5 वर्ष, कहीं विघटन नहीं होता है। इस बार टिकेगी नहीं टिकेगी सरकार पुष्प कमल? इस बार टिकेगी, टिकेगी सरकार, इस बार टिकेगी, 5 साल टिकेगी। तो नेपाल के इतिहास में पहली बार होगा जब 5 साल का कार्यकाल पूरा किया जाएगा, 5 साल पूरा करेगा, ये पहली बार होगा। अच्छा नेताजी, मैं मतलब मंत्री जी, मैं पब्लिक के बीच में हूँ आज, तो जब आपका काफिला गुजर रहा था तो मैं लोगों से बात कर रहा था उस वक्त उतर के, तो कुछ लोग कह रहे थे कि अगर नेताजी का इंटरव्यू करने जा रहे हैं तो 2 सवाल पूछेगा मेरे तरफ से। पहला ये है कि नेताजी का जनसंपर्क, मतलब मंत्री जी का जनसंपर्क बहुत अच्छा है, लोगों से बातचीत करते हैं, व्यवहार बहुत मधुर है, सब कुछ सही है, लेकिन जितने बड़े पोस्ट पर वो है, मंत्री हैं, उस हिसाब से उनके क्षेत्र में विकास नहीं हुआ है, ऐसा वो कह रहे थे, तो इस पर आपका क्या कहना है? देखिए विकास का मुझे लगता है कि यह बात चुनावी बात उठाता, जन अपेक्षा है उस अनुकूल का देश का अवस्था भी होना चाहिए। आज सबसे बड़ी खामियां यहाँ क्या है कि देश की राजस्व हम जो भागीदारी करते हैं वो 70% है, हमारी राजस्व स्थिरते हैं, और जो पॉपुलेशन है देश का, उसका जो तराई मधेश का भूभाग 21 जिला, वो 54% हो गया इस बार का जनगणना से, और बजट मधेश को मिलता है 20% आज तक, 18% और 20%। इससे क्या है कि राज्य का जो विभेदकारी नीति है जिससे मधेश पीछे पड़ा गया है, इसको, इस बात को हम लोग मधेश आंदोलन के मार्फत से हम लोगों ने इस बात को आवाज़ उठाया। आज जो हुलाकी सड़क का जो अवस्था है वो मधेश आंदोलन का देन है, ये स्वाभाविक बात है कि नहीं। भारत सरकार की हम लोग जो कैबिनेट मिनिस्टर बने तो हम लोग गए थे तो भारत सरकार की तरफ से 1400 किलोमीटर का उत्तर दक्षिण और पूरा पश्चिम हुलाकी मैंने आया, वो एक सम्मति में हुआ, 1400 किलोमीटर भारत सरकार ने बनाया। अन्य जो बात है जो भी है वो भारत सरकार का तराई मधेश में सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है कि हुलाकी सड़क में उसकी लगानी हुआ। यहाँ सवाल क्या है कि मधेश में राज्य के द्वारा बजट का न्यूनचित भागवंडा नहीं है,
निश्चित नहीं है, इसलिए एक विकास है। मधेशी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है अभी भी, जो लोग यहाँ पब्लिक मंत्री होकर के ये बात कह रहे हैं कि मधेशी के साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, साथ व्यवहार पक्षपात किया जा रहा है अभी भी। अभी भी है, आप मंत्री हैं, मंत्री हैं, आप बजट सुने? नहीं नहीं, जनता की जो सही सत्य बात है वो बात तो कहना पड़ेगा ना। तो आप ये बात, मंत्री हैं आपके पास तो भी पावर है, आप सदन में ये बात कह सकते हैं ना। ये मधेश के विकास क्यों नहीं हो, वो प्रश्न तो जायज है ना। बिल्कुल जायज है, ये जायज प्रश्न है। तो अभी तो आप सर इस बार का सरकार में हम लोग हैं, इस बार हम लोग चाहेंगे इसको संबोधन हो, कहीं भी होता है चाहेंगे या फिर हो रहा है, ये हम लोग प्रयास करेंगे कि जनसंख्या के आधार पर बजट का विनियोजन बनना चाहिए। एक दूसरा, भूगोल के आधार पर बनना चाहिए, जो देश जो प्रदेश राजस्व सदी देता है उसको उतना मिलना चाहिए। भारत में भी तो है ना, जो प्रदेश जितना है ना उसका राजस्व जितना जमा होता है उसके हिसाब से उसको पैसा मिलता है विकास का, वहाँ भी है ना नीति है। हमारे यहाँ भी उन्नति हो, हमारे यहाँ भी संघीयता हो गया है, हमारे यहाँ भरकर संघीयता है, हमारे यहाँ स्थानीय सरकार है, प्रतिनिधि तरह की सरकार है। हम लोग प्रयास करेंगे कि भाई जो जो अभी मान लीजिए जो हमारी ये मध्य प्रदेश है जी, इसकी बजट और कर्नाली प्रदेश का, इसकी जनसंख्या 54 लाख है, कर्नाली प्रदेश का 14-15 लाख है, बजट देखेंगे तो यहाँ से अधिक बजट उसका है और यह बजट कम है। तो ये तो सच्चाई और यथार्थ बात है। तो इस बार आप लेकर के आएंगे क्योंकि मंत्री नहीं, प्रयास होगा। अरे सुनिए, प्रयास होगा, मतलब चुनाव लड़ने से पहले नेताजी आश्वासन देते हैं कि लेकर आएंगे। अब मंत्री बन गए तो अभी भी आश्वासन ही मिलेगा या विकास भी होगा हकीकत मायने में मधेशी का? ये हकीकत बात मैंने बताया। अच्छा, अब ग्राउंड पर जो बात है, इस क्षेत्र का जो भौगोलिक अवस्था है जी, यहाँ का विकास में अन्य क्षेत्र का जो विकास है जी, पहाड़ क्षेत्र के विकास में एक परिस्थिति है, हम लोग का जो मधेश है उसका एक क्षेत्र के विकास की बात है नहीं। ये सरलाही जिला से बगल में मोहतरी जिला है, बगल में रोहतक जिला है, वहाँ से भी इसको नापा जा सकता है। ये पैसा पहले कम था, अभी पैसा थोड़ा सा आया है, थोड़ा सड़क तो बन रहा है, पुल बना है, हुलाकी सड़क में अभी आपको मापदंड के हिसाब से अभी फिर बन रहा है, फिर उसमें 90 करोड़ रुपया दिया गया है, वो चौड़ाई किया जा रहा है, नाला बन रहा है, तो देश का अवस्था जो उस हिसाब से हो रहा है। अब क्षेत्र की जनता की सबसे बड़ी समस्या यहाँ है सिंचाई का और एक सड़क का भी प्रॉब्लम है सर। इधर सड़क का प्रॉब्लम जो है, सड़क का सुनिए नहीं, सड़क का प्रॉब्लम है यहाँ। प्रॉब्लम कोई भी सांसद बजट करेगा, टेंडर करवा देगा, उसके बाद वो करना चाहिए। अभी हरपुरवा के सड़क में जो लोग कहते हैं कि नहीं विकास हुआ, वो लोग मुद्दा देकर अभी यहाँ का जो मेयर है वो घर नहीं तोड़ा है, अभी वहाँ पर अधूरा है ना। संग्रामपुर में लोग घर नहीं तोड़ रहा है, 73-74 करोड़ का बजट था, तो प्रयास तो है। तो ये क्या है कि लोगों को अपेक्षा क्या क्या चाहिए, सिंचाई चाहिए, सड़क चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, यानी स्वास्थ्य चाहिए। प्रदेश सरकार आ गया है, प्रदेश सरकार को जो बैठे इसका अस्पताल वहाँ बन रहा है, जो सरकारी अस्पताल जो है प्रत्येक गांव पालिका में एक 25 सैया का 15 सैया का नगर में देने की बात हुआ है, उसके लिए क्या साधन स्रोत कर उसको जोड़ा जाए। और मधेश की राजनीति जो है विकास में ही राजनीति होता है, देखिए विकास में थोड़ा सा पारदर्शिता हो, एक सभी लोग मिलकर विकास करें, जिस तरह से यही लालबंदी में जाएंगे विकास के नाम पर सब पार्टी खो जाता है। हम लोग विकास के नाम में सब पार्टी यहाँ लड़ता है, सब लोग मुद्दा मामला करता है। एजुकेशन पैसे 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 फ्रीज हो जाए उसमें उसकी शान है, पैसा फ्रीज हो जाए उसमें शान है, उसकी इज्जत बुझता है। तो थोड़ा सा हम लोगों को अपनी सामाजिक संरचना में भी इसको परिवर्तन करने की जरूरत है, इसको इस प्रकार के ले जाने की जरूरत है। इसीलिए हम अभी सरकार में है, अलायंस की सरकार है, हमारी साझा नीति है, साझा हमारा सवाल है, साझा समस्या है, हमारे लिए नागरिकता की समस्या है। हम लंबे समय से नागरिकता की समस्या उठा रहे हैं, इस बार सरकार ने पहले भी किया था, नागरिकता पर भी आए। हाँ, नागरिकता का सवाल है, नागरिकता का सवाल इस बार हम लोग 6 महीना का समय दिए, 6 महीना के समय में हिमालय कारण से विगत में भी रुका, इस बार भी हिमालय कारण से नहीं रुकेगा। ये सरकार के पास अपार बहुमत है, बहुमत के द्वारा हम लोग नागरिकता को बिल पास करेंगे। वो कह रहे थे कि जन्म सिद्ध अधिकार नागरिकता बिल वो 6 महीने में पास हो जाएगी, इस बार कन्फर्म है? इस बार अच्छा। अब एक बात बताइए मुझे कि आए दिन मैं भारत में रहता हूँ, मैं हिंदुस्तान से हूँ, तो वहाँ देखता हूँ कि अल्पसंख्यकों के खिलाफ कभी कभी हेट स्पीच दिए जाते हैं, तो क्या उस हेट स्पीच का मधेश के लोगों पर नेपाल में उसका असर पड़ता है क्या? पड़ता है भाषण का, देखिए भड़काऊ भाषण का उतना असर नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ ऐसा जो लोग हैं इस बार रामनवमी के जुलूस में कुछ सुनने को मिला। नहीं सुनिए, यहाँ के जो जुलूस होता है, भारत के जो अपनी संस्कृति है, जो अपनी है, वहाँ का जो सरकार का है, सत्ता है, उसकी अपनी जगह है, उसका असर नेपाल में नहीं पड़ता है। यहाँ बड़ा सामाजिक सद्भाव रहता है, यहाँ पे कुछ लोग हैं सभी धर्म के नाम पर, धर्म निरपेक्ष देश हो गया है, सभी धर्म के हमारे लिए समान अधिकार है, समान व्यवहार है। हिंदू राष्ट्र बनाने की अभी भी तो मांग उठती रहती है और ये बड़े बड़े संगठनों द्वारा किया जाता है।
हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए यहाँ कुछ जो हिंदूवादी संगठन है, विभिन्न संगठन है, इस देश में जब गणतंत्र आ गया, संविधान में लिखा गया, तो हिंदू राष्ट्र नहीं होगा, सभी धर्म स्वतंत्र है, उठाने वाले लोगों को क्या दिक्कत है। हिंदुस्तान भी तो मतलब एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो वहाँ भी लोग उठा रहे हैं, यहाँ भी ये देश धर्मनिरपेक्ष है, तो धर्मनिरपेक्ष नाम पर कोई किसी विषय को उठाता है वो बहुत बड़ी बात नहीं है। वो उसके लिए संविधान में परिवर्तन करने का बहुत लंबा समय लगेगा। अब बहुत मेहनत, बहुत त्याग बलिदान के बाद ये संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का संविधान निर्माण हुआ है। इस संविधान के विरोधी ताकत है, वो विरोधी ताकत चाहता है कि संविधान को कैसे समाप्त करे और देश में अराजकता पैदा हो। मंत्री जी, एक और सवाल है, जनता से जुड़े तो बहुत सारे सवाल है, लेकिन एक महत्वपूर्ण सवाल है और ये है कि हम लोग अभी दक्षिण नेपाल में बैठे हुए हैं, है ना, और उत्तर भारत और दक्षिण नेपाल का बॉर्डर जो सटा हुआ है, खासतौर से बिहार और उत्तर प्रदेश का इलाका, वो एक महीना ऐसा आता है जो बाढ़ से पीड़ित हो जाता है, मतलब बाढ़ग्रस्त कहलाने लगता है, और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये है कि आम जनता परेशान होते हैं। हालांकि बाढ़ को रोक पाना हम इंसानों की बस की बात नहीं है, लेकिन बाढ़ से जो परेशानी होती है, जो समस्याएं उत्पन्न होती है, उसका समाधान निकाला तो हमारे बस की बात है। तो अभी बाढ़ का महीना नहीं है, तो भारत सरकार से या फिर बिहार सरकार से बात करके, यूपी सरकार से बात करके आप लोग क्या फैसला ले रहे हैं जिससे बाढ़ से, अब बाढ़ जब आए तो ज़्यादा परेशानी नहीं उठानी पड़े जनता को? देखिए, इसके लिए क्या है कि नेपाल में जो हमारी चुरे क्षेत्र है, वो चुरे क्षेत्र का दोहन हो रहा है। चुरे क्षेत्र जो है ये मधेश का लाइफ लाइन है, यानी चुरे क्षेत्र में जिस तरह से क्षय हो रहा है, उसका क्या है कि अभी पहाड़ में हर गांव पालिका में, हर नगर पालिका में विकास के लिए डोजर चल रहा है कि नहीं। अभी नेपाल के रिकॉर्ड में देखेंगे 10 वर्ष में जब से संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र हुआ है, तो सबसे अधिक नेपाल में मानव का क्षति हुआ है वो पहाड़ में हुआ, पैरों से, यानी पहाड़ के पर जो बसवास है, जो अव्यवस्थित बसवास है, जो जिस प्रकार से छोटी छोटी नदियाँ हैं उस सबके पानी के बहाव से काफ़ी पानी में क्षति हुआ है। एक दूसरा उसका प्रभाव क्या है कि नेपाल में जब तक चूड़े का संरक्षण और पहाड़ का, महाभारत का संरक्षण नहीं होगा, उसका संवर्धन नहीं होगा, जब तक वहाँ का जो पानी का बहाव के साथ साथ जो मिट्टी है, जो बालू आता है, उसको कम से कम एक बहुत बड़ा डैम बनाना पड़ेगा। चूड़े में बहुत बड़ा डैम बनाकर वो पानी को वहाँ स्टोर करना होगा, ताकि उधर से जितना भी बालू गिट्टी आने वाला है वो सभी बालू गिट्टी वो डैम में हो। उससे दो कारण होगा, एक पानी के जमाव से, जो अभी पानी का है ना सतह नीचे चला गया है, वो नेपाल में भी चला गया है और भारत में भी चला गया है, इसीलिए चूड़े भाग को संरक्षण करना और डैम बनाना वो सबसे ज़रूरी बात है। वो ज़रूरी होता है तो यहाँ भी पानी का सतह ऊँचा होगा और उसका स्पेस होगा, सबसे बड़ा सवाल वहाँ है। इस पर दोनों देश का साझा सवाल है, नदी का सवाल हमारी साझा समस्या है, साझा निकालना चाहिए। इस बात को हम लोगों ने कितनी बार उठाया है, नेपाल भारत सीमा में भी इस बात हुआ है, दोनों देश के सांसद के बीच में बात हुआ है, विभिन्न सामाजिक संस्था ने इस बात को उठाया है कि ये नदी का समस्या दोनों देश का समस्या है। आज नेपाल की भूमि 25% क्षतिग्रस्त अगर होगा तो भारत का 75% हो रहा है, जैसे कोसी का तटबंध। तो ऐसा नहीं है कि इसी भरोसे रुके हुए हैं कि चलो चलो भारत वाले पहल नहीं कर रहे हैं, उनका 75% बर्बाद हो रहा है। ये मैं बताता हूँ, कोसी की जो घटना हुआ, नेपाल की भूभाग 25% पड़ता है, भारत की बहुत बड़ी भूभाग है। हम लोग चाहते हैं कि नेपाल का 25% हो भारत का, हमारे साझा सवाल है। हम एक दोस्त, बेटी रोटी का संबंध है, एक दूसरे देश से हम लोग जुड़े हुए हैं, एक दूसरे का दुख सुख में हम लोग साथ जुड़े हुए हैं। यहाँ अगर गरीबी होगा तो इसका असर भारत में पड़ेगा, वहाँ गरीबी होता है तो इसका असर पड़ता है। तो हम दोनों देश मिलकर देश को नदी के तटबंध करने की जो है, भारत सरकार से हम लोगों ने कितना बड़ी बात किया है कि एक जो भारत की गंगा बेसिन का जो प्रोजेक्ट है, बहुत बहुत बड़ी प्रोजेक्ट है, वह प्रोजेक्ट कम से कम नेपाल सरकार के द्वारा और भारत सरकार के बीच में हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि सबसे बड़ी समस्या ये है, पहले भी बात उठा था, तो उस समय में हम लोग ये प्रयास करेंगे कि गंगा बेसिन के तरफ से नेपाल और भारत के बीच में हमारी नदी की एक संयुक्त कमेटी है, सिंचाई के लिए है, विद्युत के लिए है, ये नदी नियंत्रण के लिए भी है। अभी मुझे लगता है कि 10-15 अरब रुपया भारत सरकार ने नेपाल के नदी नियंत्रण के लिए बजट दिया है, जो अभी चार नदी में हो रहा है। उसी तरह से नेपाल भारत से सीमावर्ती जुड़ा हुआ जितनी भी नदी है, बड़ी बड़ी नदी है, जिससे नेपाल में भी क्षति होता है, भारत में होता है, तो भारत सरकार से एक पायलट प्रोग्राम चल रहा है। तो इसे क्या है कि भारत सरकार भी और नेपाल सरकार मिलकर तो काम किया जा रहा है। अब क्या है कि नदी नियंत्रण एक सवाल है, चुरे क्षेत्र का संरक्षण होना चाहिए जो दोनों देश के लिए लाइफ लाइन है। उस पर हम चाहेंगे कि इस बार हमारी सरकार है, हम लोग सरकार में हैं,
जब हमारी प्रधानमंत्री का भारत भ्रमण होगा, जाने का अवसर मिलेगा, तो मैं भी वहाँ इस बात को नेपाल सरकार की तरफ से चुड़े पर, इससे पहले मैं सिंचाई मंत्री था उस समय मैंने इस बात को किया था, एक कमेटी बना, ज्वाइंट कमेटी बनाकर हमारे यहाँ वन मंत्रालय है वहाँ से मिलकर एक कमेटी बनाकर इसको कम से कम समाधान किया जाए। इसीलिए दोनों देश मिलकर अभी जिस प्रकार से नदी नियंत्रण हो रहा है, सदा सवाल है इस पर मिलकर हम समस्या का हल करेंगे। बहुत अच्छी बात बताए हैं कि बेटी रोटी का संबंध है, हम लोग मिल करके काम कर रहे हैं, क्या नेपाल का चाइना के साथ भी इसी तरह का संबंध है? नहीं, वो तो प्रमाणित हुआ है, नेपाल और भारत का संबंध बिना पासपोर्ट का, 1950 के संधि ने हमें दो देश के नागरिक का अधिकार प्रत्योजन किया है कि नहीं, कोई आवत जावत पर रोक नहीं है, कोई पासपोर्ट नहीं है। लेकिन चाइना और नेपाल की जो बात है, वो तो चाइना जाने के लिए पासपोर्ट में वीज़ा लगा कर जाना पड़ता है, दो राष्ट्र है, दो मित्र देश है, भारत भी हमारा मित्र देश है, इसके साथ हमारा एक धार्मिक सांस्कृतिक पारिवारिक एक संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, एक हमारे लिए कहीं विश्व में इस तरह का देश नहीं है। जो नेपाल भारत का जो अद्वितीय संबंध है वो विश्व में किसी भी देश के साथ नहीं है, इसीलिए हमारा अन्य देश से तुलना हम नहीं कर सकते हैं। नेपाल और भारत का जो संबंध है किसी विश्व किसी देश से हम तुलना नहीं कर सकते हैं, ये अतुलनीय। मंत्री जी, हम इंटरव्यू के आखिर में आ चुके हैं, हम चार पांच इंडियन पॉलिटिशियन मतलब राजनेता और चार पांच नेपाल के राजनेता के बारे में बात करेंगे जो नेपाल की राजनीति में बहुत और भारत की राजनीति में बहुत असर रखते हैं। मैं उनका नाम बोलूँगा, आप एक से दो वर्ड में बताएंगे कि उनके बारे में आपके क्या राय है। ठीक है, मैं बताऊँ। सबसे पहला नाम है पुष्प कमल दहल प्रचंड, इनको इनका नाम सुनते ही सबसे पहले जहन में क्या आता है? पुष्प कमल दहल एक क्रांतिकारी नेता है, देश की इतनी बड़ी जो परिवर्तन हुआ है, इतने बड़े लोगों को जन अधिकार की बात प्राप्त हुआ है, लोगों को पहचान अधिकार देने के लिए जो सशस्त्र आंदोलन किया, आज माओवादी का आंदोलन अगर नहीं होता तो मधेशी आंदोलन, ये देश में खस क्या कहते हैं भूट क्या कहते हैं तमांग की है ना, पहचान की जातीय पहचान की बात है। कमल दहल को आप एक हीरो की तरह देख रहे हैं? हीरो नहीं, एक क्रांतिकारी क्रांतिकारी नेता है ना। इस हिसाब से पुष्प कमल दहल जी ने जो जिस प्रकार के सशस्त्र आंदोलन कर शांतिपूर्ण आंदोलन कर इस संविधान बनाने में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र को स्थापना किए और आज इस देश में नेपाल भारत के रिश्ते को भी मजबूत करने के लिए और नेपाली जनता के एक समृद्ध बनाने के लिए जो अभी भी जो संविधान में अधूरा हमारा विषय है उसको संबोधन कराने के लिए आज भी इस देश के परिवर्तनकारी शक्ति के रूप में नेकपा माओवादी ने जो आंदोलन किया उसका नेतृत्व प्रचंड ने किया, वह बहुत बड़ी आंदोलन है जो सशस्त्र और शांति आंदोलन को फ्यूजन कराकर नेपाल में एक संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र का। दूसरा नाम नरेंद्र दामोदर दास मोदी, ठीक है? नहीं, अब देखिए भारत के राजनीति में भारत के भी बहुत बड़ा महान नेता हैं और मुझे लगता है कि जब से उनकी नेतृत्व हुआ है उस समय से भारत की प्रगति में है ना एक काफ़ी उल्लेखनीय हुआ है और मुझे लगता है कि काफ़ी जो गरीब तबके के लोग हैं उनकी अधिकार के लिए उनकी है ना विकास के लिए है ना काफ़ी उन्होंने किया है, तो मुझे लगता है जनता उनके साथ है। जनता को है ना शांति चाहिए, विकास चाहिए, है ना सुशासन चाहिए, जो मुझे लगता है कि भारत में एक सुशासन का अनुभूति है, इसलिए जनता के आशीर्वाद से ना वहाँ पर है कोई भी देश का है ना। इस अवस्था से जो माननीय वहाँ के प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने जो भारत की जनता का है ना जो उसकी संगठन है, जो उनकी पार्टी है, उसने है ना जनहित के लिए जनता के साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए भारत में उनकी सत्ता है। यहाँ हम लोग जो गठबंधन है, हम लोगों का एक संविधान अलग है, अब यहाँ के संविधान अलग है, फिर भी क्या है कि हम संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के हिसाब से हमारे यहाँ तो एक समानुपातिक प्रणाली है यानी, तो ये सब हमारी एक मुद्दा है जो हम चाहते हैं कि देश में फिर इसमें परिवर्तन हो। हम चाहते हैं कि समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हो, काफ़ी निर्वाचन महंगा हो गया है, इस तरह से नेपाली जनता का जो आर्थिक अवस्था है इससे हम जनता का सेवा नहीं पहुंचा सकते हैं। दूसरा है कि हम चाहते हैं कि देश में राष्ट्रपति प्रणाली हो। चलिए एक और आखिरी नाम पूछ लेते हैं, केपी शर्मा ओली, ठीक है? केपी शर्मा ओली इस पार्टी का एक प्रतिपक्षी नेता है, यानी एक राष्ट्र मतलब अपनी यहाँ मधेश आंदोलन में या उनका जो अधिकार दिलाने की बात हुआ था उस समय काफ़ी है ना मधेश के साथ विरोध में खड़ा हुए थे, आज मधेशी जनता जो है वहाँ फिर उसको यहाँ पर स्थापित किया है, यानी यह चिंता और दुखद की विषय है मधेशी दल के है ना कमजोरी के हिसाब से।
अरे तो इसलिए मुझे लगता है कि वो भी उसकी पार्टी है, देश की संगठन पार्टी है, वो भी देश राष्ट्र के लिए काम कर रहा है। मंत्री जी, आप हमसे बात किए, अपने कीमती वक्त में से कुछ वक्त निकाले। मैं देख रहा हूँ बहुत धूप है, बहुत गर्मी है, पूरे दिन भर आप जनसंपर्क कर रहे हैं। आमतौर पर नेता जनसंपर्क तब करते हैं जब चुनाव करीब हो, लेकिन मैं पहली बार देख रहा हूँ कि चुनाव जीत करके आने के बाद, इतने दिनों बाद और इस उम्र में इतनी धूप में जनसंपर्क कर रहे हैं। आपके मेहनत को मैं दाद देता हूँ और आप कीमती वक्त मेरे लिए निकाले, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, ऐसा है कि अब आप इतना गर्म के समय में आए यहाँ, इस तरह से अभिव्यक्ति किए, है नहीं, तो इसीलिए आपको बहुत धन्यवाद है। आपके YouTube के माध्यम से ये सभी बात जाए, वो पहुँचाइए। तो ये थे हमारे साथ नेपाल के केंद्रीय मंत्री और सादगी से भरे व्यक्तित्व महेंद्र राय यादव जी। देखते रहिए आज़ाद सोच। बहुत बहुत शुक्रिया।